पीएम मोदी की अध्यक्षता में दो चुनाव आयुक्तों के नाम फाइनल, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के नाम पर लगी मोहर। अधीर रंजन ने चयन प्रक्रिया पर उठाए सवाल, कहा मुझे मीटिंग से पहले सौंपे, सरकार जिसे चाहेगी उसे ही बनाएगी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर बोले दिग्विजय सिंह, पूछा पीएम और अमित शाह निष्पक्ष चुनाव आयोग क्यों नहीं चाहते। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की नई प्रक्रिया को शरद पवार ने बताया गलत, कहा पीएम जो तय करेंगे अब वही होगा। पीएम मोदी ने 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बांटा लोन, कहा मैं गरीबों को पूछता और पूजता हूं, हमारी योजना से गरीब दुकानदारों की कमाई बढ़ी। पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर की आधारशिला रखी, कहा इंडी अलायंस की विचारधारा देश विरोधी। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस को झटका, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर बीजेपी में हुई शामिल। परनीत कौर ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात, कहा पीएम के नेतृत्व में अपने क्षेत्र और देश के लिए करूंगी काम। पंजाब में आपके 8 लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान, 5 मंत्रियों को मैदान में उतारा। यूपी में निर्विरोध विधान परिषद पहुंचे सभी 13 उम्मीदवार, एनडीए के 10 और सपा के 3 उम्मीदवार चुने गए। बिहार में भी नीतीश कुमार, राबड़ी देवी समेत सभी 11 उम्मीदवार निर्विरोध एमएलसी चुने गए। बिहार में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार, सीएम नीतीश बोले सबको जल्द पता चलेगा। जितन राम मांझी से मिले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्रिमंडल विस्तार और सीट शेयरिंग पर हुई बात। पशुपति पारस को झटका, चिराग पासवान से मिले सांसद महबूब अली कौसर और सांसद वीणा देवी ने भी की मुलाकात। चिराग से मिलने के बाद बोले महबूब अली, कहा टिकट देंगे तो जरूर लड़ेंगे। असम के कोकराझार में राजनाथ सिंह की रैली, कहा चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल करेगी एनडीए सरकार। चुनाव से पहले अजीत गुट को झटका, विधायक नीलेश लंके ने शरद पवार की पार्टी ज्वाइन की। सीट शेयरिंग को लेकर बोले प्रकाश अंबेडकर, महाविकास आघाड़ी रहेगी तो गठबंधन होगा। महाराष्ट्र के बीड़ से बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे का बयान, उम्मीद नहीं थी टिकट मिलेगा लेकिन पार्टी ने विश्वास बनाए रखा। सोनिया गांधी से मिले दानिश अली, कांग्रेस के टिकट पर अमरोहा से लड़ सकते हैं चुनाव। राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से फोन पर की बात, 17 मार्च को मुंबई में होने वाली महारैली का न्योता दिया। कांग्रेस ने किसानों को 5 गारंटी देने का किया वादा, राहुल बोले स्वामीनाथन आयोग के तहत एमएसपी देंगे, स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग बनाएंगे। महाराष्ट्र के मंत्री शंभुराज देसाई का उद्धव ठाकरे से सवाल, क्या सावरकर का अपमान करने वालों के साथ मंच करेंगे साझा। सीए को लेकर सियासी घमासान तेज, अमित शाह बोले टाइमिंग पर सवाल ना उठाएं विरोधी, सीए कानून कभी नहीं होगा वापस। वोट बैंक वाले आरोप पर अमित शाह का जवाब, विपक्ष के पास सवाल उठाने के अलावा कुछ नहीं, मोदी की हर गारंटी होती है पूरी। मुख्यमंत्री पी विजयन का ऐलान, केरल में लागू नहीं किया जाएगा सीएए। सीए को लेकर आर पार की लड़ाई में केरल सरकार, सीएम बोले ना झुकेंगे ना ही चुप रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सीए पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये किसी की नागरिकता नहीं छीनेगा। जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष का सवाल, अमित शाह क्यों नहीं कहते सीए के साथ एनआरसी नहीं जुड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी ने प्रेसिडेंट मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट, 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश। भारत दौरे पर भूटान के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने उनका किया स्वागत। मणिपुर में शांति बहाली की कोशिश में जुटे सीएम बीरेन सिंह, कहा दो बार मेतई और कुकी विधायकों से की मुलाकात, उम्मीद है जल्द लौटेगी शांति। रेत खनन मामले में सपा नेता गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी की रेड, बेटे अनुराग प्रजापति को हिरासत में लिया गया, कई अहम दस्तावेज जब्त। कोर्ट से शाहजहां शेख की जमानत अर्जी खारिज, सीबीआई को 8 और दिन की रिमांड मिली। पश्चिम बंगाल के संदेश पाली में 4 जगहों पर ईडी रेड, शाहजहां द्वारा कब्जाई जमीनों के मामले में हुआ एक्शन। सीएम योगी के अधिकारियों को नसीहत, आपकी नियुक्ति समाधान के लिए समस्या के लिए नहीं, पेपर लीक में शामिल किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान, पेपर लीक मामले में कई राज्यों के गैंग हैं शामिल, आरोपियों की अवैध संपत्ति जब्त कर करेंगे ध्वस्त। यूपी पेपर लीक मामले के पुलिस सूत्रों का खुलासा, गिरोह का मास्टरमाइंड पहले भी जा चुका है जेल, गैंग ने गुरुग्राम ही नहीं बिहार और एमपी के होटल्स में भी बुलाए थे छात्र। पेपर लीक को लेकर राजस्थान सरकार सख्त, सीएम भजन लाल ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। पुणे आईएसआई मॉड्यूल केस में अनायक एक्शन, 4 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। टिकट मिलने के बाद सिद्धिविनायक के दरबार पहुंचे पीयूष गोयल, लोकसभा चुनाव में जीत का मांगा आशीर्वाद। सीएम योगी ने रामलला के किए दर्शन, कहा देश दुनिया का आदमी अयोध्या धाम का दर्शन करना चाहता है। सीएम नीतीश ने 2901 आयुष चिकित्सकों को बांटे नियुक्ति पत्र, सम्राट चौधरी रहे मौजूद। गुरदासपुर सेंट्रल जेल में कैदियों में झड़प, कैदियों को छुड़ाने गई पुलिस पर भी हुआ हमला। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीतापुर के जिला अस्पताल का दौरा किया, दवा से लेकर साफ सफाई का किया निरीक्षण।
यूपी में योगी सरकार की माफियाओं पर नकेल, साल 2020 से अब तक 3,818 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त। गैंगस्टर काला जठेड़ी की स्पेशल सेल ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया, कोर्ट ने 2 दिन की दी कस्टडी। मुंबई के गोरेगांव इलाके में फर्नीचर कंपनी में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रुपए में 1 पैसे की मामूली गिरावट, 1 अमेरिकी डॉलर 82.82 पर रहा। शेयर बाजार में लौटी तेजी, सेंसेक्स 335 अंक उछला, निफ्टी 22,146 पर हुआ बंद।